हाँ जी, तो वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। मैं हिमांशी और हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 की डिटरमिनेंट्स की, और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या कह रहा है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स शो दैट, क्या शो करना है, ये इसके बराबर शो करता है। देखो इसके अंदर मुझे बहुत सारे ए बी सी दिख रहे हैं, और यहाँ पे जिसके बराबर मुझे शो करना है वहां पे भी मुझे एबीसी दिख रहे हैं। तो देखो यार, सबसे सिंपल सा फंडा है, सबसे पहले आपने कॉमन लेने की कोशिश करनी है। जब हम ये कहते हैं कि R1 + R2 + R3 कर दो या कॉलम्स ऐड कर दो, वो क्यों करते हैं हम, ताकि हम कुछ सेम मिल जाए, हम बाहर ले लें और अंदर सिंप्लीफिकेशन हो जाए, फिर जीरो वगैरह बन जाए। तो यहाँ तो बिना सिंप्लीफिकेशन के ही, बिना एडिशन के ही कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेते हैं ना। सबसे पहले देखो इस वाली रो में तुम्हें ए दिख रहा है, बाहर ले लोगे। अब तुम लोग ऐसे तो इस वाले कॉलम में भी ये दिख रहा है, ले सकते हैं कॉमन, बिल्कुल ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। या तो इस तरीके से कर लो, इस फैशन में, कि यहाँ से ए, यहाँ से बी, यहाँ से सी ले लिया, या फिर ये बोल दो कि इस कॉलम से ए कॉमन ले रहे हो, इस कॉलम से बी और इस कॉलम से सी, तो तुम्हारी मर्जी है। मैं क्या बोलूंगी, टेकिंग आउट कॉमन, क्या क्या, A, B and C, कहां से, from R1, R2 and R3 respectively. Respectively का मतलब होता है उसी ऑर्डर में, कि भैया R1 से A लिया है, R2 से B लिया है और R3 से ये लिया है C, ठीक है, उसी ऑर्डर में। तो respectively शब्द का ये मतलब हो गया। तो determinant क्या मिला इसका, मैं डिटरमिनेंट नाम दे रही हूँ, ठीक है ना, किसके बराबर आया, आपने ए बी सी तीन बाहर ले लिए वन बाय वन। यहां से ए लिया तो क्या बचा, माइनस ए बी सी, यहां से बी लोगे बाहर तो क्या बचेगा, ए इधर माइनस बी और इधर सी, बी लिया है ना कॉमन, फिर तीसरे वाले से आप क्या बोल रहे हो, सी बाहर ले रहे हो, तो यहां बचा ए, यहां बचा बी और यहां बचा माइनस का सी। अभी भी मुझे तो बहुत कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे ए बाहर आ जाएगा, यहाँ बी बाहर आ जाएगा, यहाँ सी बाहर आ जाएगा। एक और बार सेम चीज करते हैं, कॉमन लेते हैं, ये वाली जो लाइन है इसको एडजस्ट करके यहाँ पे लिख लेना, तो ठीक है, टेकिंग आउट कॉमन ए बी सी फ्रॉम R1, R2, R3 रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे शिफ्ट कर दी मैंने लाइन, तुम अपने आप इसको कर लेना, तभी से साफ साफ लिख लेना, ओके। देन अगेन टेकिंग आउट कॉमन, अब क्या कॉमन ले रहे हो, फिर से ए बी सी बाहर ले रहे हो ना, कहां से, कॉलम से, फ्रॉम कॉलम वन, कॉलम टू एंड कॉलम थ्री रिस्पेक्टिवली। आपने कॉलम वन से ए लिया, कॉलम टू से बी और कॉलम सी से, कॉलम थ्री से सी, तो क्या मिला, एक और बार ए, एक और बार बी, एक और बार सी बाहर आ गया, तो स्क्वायर्स रह गए बाहर। अब क्या मिला अंदर, यहां माइनस वन, वन वन, ठीक है, देख रहे हो कितना सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन, फिर वन माइनस वन और वन, कॉलम वाइज लिख रही हूं एलिमेंट्स, अब वन वन और माइनस वन, ओके। चलो अब क्या मिल गया हमें, बहुत सारे वन वन मिल गए, अब तो हम आराम से दो कहीं पर भी जीरो बना देंगे और फिर क्या कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, इन दोनों को ऐड कर दो, चाहो तो C1 C2 ऐड करो, C2 C2 मतलब कुछ भी, कोई भी दो, कोई भी रो, दो कॉलम उठा के अगर तुम ऐड करते हो ना तो तुम्हें दो जीरो मिल जाएंगे। तो मैं क्या बोल रही हूँ, R1 goes to R1 + R2, तो डिटरमिनेंट क्या मिल गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और साथ में ये, अब ये क्या है, माइनस वन प्लस वन जीरो, प्लस वन माइनस वन जीरो, वन प्लस वन टू और बाकी का एज इट इज, वन माइनस वन वन, वन वन माइनस वन। अब क्या बोल दोगे, भैया दो जीरो बन चुके, अब तो एक्सपैंड कर लो, तो अब क्या करेंगे, एक्सपैंड अलोंग रो वन, ठीक है, कहाँ करें, वहां कर देते हैं। चलो ये हटा रही हूँ, फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन ही है ये, तो ठीक है, लिखेंगे एक्सपैंडिंग अलोंग
रो 1 के अलोंग करूंगी क्योंकि यहां दो जीरो है. डिटरमिनेंट किसके इक्वल आया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. और साथ में क्या आएगा? देखो जीरो वाला खत्म, साथ में 2 इंटू में ये वाला डिटरमिनेंट, क्योंकि 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ोगे तो ये चार एलिमेंट बचेंगे. इसका डिटरमिनेंट क्या हुआ? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, कितना आया जी? ये 2 आया ना, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? इस 2 से. तो इस पूरे का डिटरमिनेंट आया 4, और यहाँ पे साइन प्लस का बनेगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस. जो अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही कि क्या ये बोल रहे हो प्लस माइनस प्लस, तो प्लीज इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो जो हमने अपलोड की है वो देखो, क्योंकि डिटरमिनेंट निकालते वक्त ना हमें ऑल्टरनेट साइन लेने होते हैं. ये वो चीज क्या होती है वो जब तुम इंट्रोडक्शन वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा. और डिटरमिनेंट निकालना आना ही चाहिए, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. तो इसका डिटरमिनेंट आया 4, ठीक है? तो इसका मतलब जो हमें शो करना था वो हम कर चुके हैं. 4a² b² c² ही बोला था ना क्वेश्चन में, लो जी बॉक्स में डाल दिया हमने आंसर हाईलाइट करने के लिए. तो आप लास्ट में हंसते मुस्कुराते प्यार से लिख देंगे हेंस प्रूव्ड. ओके, तो हमें जो शो करना था हमने कर दिया, बस 2-4 ऑपरेशंस लगे हैं कॉमनली है, प्लस माइनस के सिंपल चीज है. तो चलिए खुद भी इतने क्वेश्चन जो अब तक हम कर चुके हैं उन्हें प्रैक्टिस करें, आगे चलते हैं.